अमृतसर ट्रेन हादसे के बाद तुरंत मोदी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले। देश में नए नियम लागू। जैसा कि आप जानते ही है कि कल बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे और खूब धूमधाम से उनका स्वागत हुआ था। जब कल के दिन पूरे देश में पूरी धूमधाम से यह पर्व मनाया जा रहा था, तभी अमृतसर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें अभी तक लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है। हुआ कुछ यूं था कि जब लोग रावण दहन का कार्यक्रम देख रहे थे, तो कुछ लोग उस समय ट्रेन की पटरी पर थे, जिस समय रावण के पुतले में आग लगी। ठीक उसी समय उन दोनों पटरियों पर अचानक से ट्रेन आ गई और बहुत से लोग उस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस ट्रेन हादसे के बाद सरकार और पीएम ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अमृतसर ट्रेन हादसे के बाद पीएम मोदी ने दिए हैं तत्काल मदद के निर्देश और सीएम अमरिंदर सिंह भी घटनास्थल की जानकारी लेने के लिए आ गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर शोक जताते हुए एक ट्वीट भी किया है। इस हादसे पर पीएम मोदी जी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि यह हादसा बहुत ही दुखदायी है। अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। पीएम मोदी जी ने मरने वाले लोगों के परिवार को 2,00,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पंजाब में आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और साथ ही आज सूबे के सभी कार्यालयों और शिक्षा संस्थान को बंद करने के ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार रात अमृतसर में हुए दुखद रेलवे हादसे के चलते राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक आपदा प्रबंधन समूह की स्थापना की है। अब तक इस घटना में 61 लोगों की जान चली जाने की पुष्टि हो चुकी है। मौके पर राहत और अस्पताल दल तुरंत पहुंचे और घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि मृतकों के परिजनों को 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे और घायलों का पूरा इलाज सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इस हादसे पर रेलवे प्रशासन ने कहा कि उनको इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।